हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वर्नियर कैलिपर के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि इसकी खोज किसने किया था, इसका क्या यूज है, ये दिखता कैसा है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं, ये वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर की खोज मिस्टर पियरे वर्नियर ने वर्ष 1631 ईस्वी में किया था। इसका उपयोग इंजीनियरिंग कॉलेज, कार्यशाला, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में पैरामीटर मेजरमेंट के लिए किया जाता है। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, इसमें दो जॉज होते हैं। एक तो इंटरनल जॉज होता है, ये ऊपर की तरफ है जो इसे इंटरनल जॉज कहते हैं, और ये नीचे की तरफ जो है उसे एक्सटर्नल जॉज यानी बाहरी जबड़े कहते हैं। इसमें लॉकिंग स्क्रू भी होता है, जो कि आगे बताऊंगा मैं कि ये किस लिए होता है। वर्नियर स्केल कहते हैं इसी स्केल को। ये मेन स्केल है पूरा, ये फिक्स्ड होता है। इसमें दो प्रकार की रीडिंग होती है, एक तो इंची स्केल की रीडिंग होती है और एमएम स्केल की रीडिंग होती है। नीचे की तरफ ये हर एक वर्नियर में सेम होता है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद एक अपोजिट साइड में, इसके अपोजिट साइड में ये जॉज है, इसके ठीक अपोजिट साइड में ये डेप्थ मेजरमेंट ब्लेड होता है। ये डेप्थ मेजरमेंट ब्लेड इससे तो फ्री होता है, मेन स्केल से ज्वाइंट नहीं होता है। ये जो वर्नियर स्केल कहलाता है, इससे ये ज्वाइंट होता है। ये मूवमेंट करता रहता है, आगे और पीछे एडजस्ट कर सकते हैं पार्ट के डायमेंशन के अकॉर्डिंग। और जैसे जैसे ये आगे और पीछे मूव करेगा, वैसे वैसे ये भी आगे और पीछे मूव करेगा। इनके कार्यों के बारे में कुछ देख लेते हैं। मेन स्केल जिसे मुख्य पैमाना कहते हैं, मुख्य पैमाना एक फिक्स्ड स्केल है। इसके एक तरफ मिलीमीटर में और दूसरी तरफ इंच में स्केल होता है, जिससे कि हम पैरामीटर मेजरमेंट दोनों स्केल में कर सकें। वैसे तो अधिकतर पैरामीटर मेजरमेंट एमएम में ही किया जाता है, बाकी ये आपके ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंच में वर्क होता है या एमएम में होता है। अगला है वर्नियर स्केल, जो कि हमने दिखाया था। ये है वर्नियर स्केल, मेन स्केल जो अभी हमने जाना है, इसके बारे में जाना है। और उसके बाद ये है आपका वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल एक स्लाइडिंग स्केल है, यह मेन स्केल के पैरेलल स्लाइडिंग करता रहता है, आगे और पीछे इसके पैरेलल स्लाइडिंग करता रहता है ये, और पैरामीटर की एक्चुअल रीडिंग पढ़ने में हेल्प करता है। आगे लॉकिंग स्क्रू जो होता है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये लॉकिंग स्क्रू है, यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ है। इसकी सहायता से हम किसी भी स्केल पे मेजरमेंट किए हुए रीडिंग को लॉक करने का कार्य करते हैं। यहाँ से आप इसे घुमा करके और लॉक कर सकते हो कोई भी रीडिंग को जो आप मेजरमेंट किए हुए हो। जॉज, अगला है जॉज। जॉज आपने देखा, एक एक्सटर्नल जॉज है और एक इंटरनल जॉज। अब इनके बारे में जान लेते हैं। वर्नियर कैलिपर में दो जबड़े होते हैं, निचले जबड़े को एक्सटर्नल जॉज कहते हैं, क्योंकि इससे आउटसाइड पैरामीटर जैसे किसी पार्ट की लंबाई, किसी गोले का व्यास या किसी सिलेंडर का आउटसाइड पैरामीटर मापने का कार्य करते हैं। और जो ऊपर के साइड के जबड़े होते हैं, उन्हें इंटरनल जॉज, आंतरिक जबड़े कहा जाता है। आंतरिक जबड़े अंदर से खोखले सिलेंडर, पाइप या किसी स्टेप के डायमीटर और डायमेंशन को मेजरमेंट करने का कार्य करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं डेप्थ मेजरमेंट ब्लेड, जो कि आपने देखा यहाँ पे, ये है डेप्थ, ये पीछे की साइड है लास्ट में, डेप्थ मेजरमेंट ब्लेड। इसका यूज देख लेते हैं हम। वर्नियर कैलिपर में जॉज के अपोजिट साइड विपरीत दिशा में एक पतली सी गहराई मापने की ब्लेड होती है, जो कि वर्नियर स्केल से अटैच्ड होती है। गहराई मापक ब्लेड का उपयोग किसी वस्तु बनावट के डेप्थ या गहराई के मापने में किया जाता है। तो फ्रेंड्स,
वर्नियर कैलिपर के कुछ पार्ट्स के बारे में हमने यहाँ देखा और किसने खोज किया और कब खोज हुआ था। अगले वीडियो में और इससे विस्तार से जानेंगे, इसका यूज देखेंगे स्टेप बाय स्टेप मेजरमेंट करके, और इसकी लिस्ट काउंट क्या होती है और कैसे निकाली जाती है, बहुत सारी बातें देखेंगे। फ्रेंड्स, यदि आपको ये वर्नियर कैलिपर का परिचय अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें ये भी बताएं कि आपको अगला परिचय किस इंस्ट्रूमेंट के बारे में चाहिए। हम आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।